नमस्कार, स्वागत है आपका एसवीएन टाइम्स में और मैं आपके साथ जीविका जायसवाल। आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जो कि बदायूं में आईपीएस हैं। आज हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि पुलिस के साथ लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं, वो बहुत अपेक्षा करते हैं कि पुलिस उनके उम्मीदों पर खरी उतरे, तो जब आप लोग पब्लिक की अपेक्षाओं पर नहीं, उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाते हैं, तो इसका कारण क्या होता है? देखिए, चूँकि हम वर्दीधारी हैं और नॉर्मली जनता का ये एक्सपेक्टेशन रहता है हमसे कि हर समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका हमारे डिपार्टमेंट से कोई सरोकार नहीं होता है, लेकिन पब्लिक, चूँकि हमारा हम विजिबल होते हैं और पब्लिक हमसे आकर के, पब्लिक को ये अप्रहेंशन रहता है, ये उनको एक्सपेक्टेशन रहता है कि हम हर ऑल डिपार्टमेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमको ये लगता है कि लोगों को यह सोचना चाहिए, जैसे कहीं पे नाली का विवाद है, कहीं पे जमीन का विवाद है, कहीं पे पेड़ गिर गया है, कहीं पे कोई अन्य डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, तो जनता ये सोचती है कि पुलिस के हस्तक्षेप से हम उसको तुरंत करा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इसमें लिमिटेशंस होती हैं क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अपनी स्पेसिफिक जिम्मेदारी होती है। उसमें हम एक लिमिट तक ही हस्तक्षेप कर सकते हैं, जब तक कोई अपराधकारी ना हो तब तक हम किसी अन्य विभाग के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से जनता को कभी कभी मायूस होना पड़ता है और हम फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम वर्दीधारी, अगर जनता कोई हमारे समक्ष अदर डिपार्टमेंट की भी समस्या रखती है तो उसको हम उस डिपार्टमेंट तक पहुँचा दें ताकि उसका समाधान हो सके। कई बार आरोपियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस कई बार घायल भी हो जाती है, ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं, तो आपके अभी तक के जर्नी में कोई ऐसा मुठभेड़ हुआ हो आपके साथ जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना पसंद करें? जी हाँ, ये वर्ष 2008 की बात है, जब हम फिरोजाबाद में पोस्टेड थे, उस समय बदमाशों के एक गैंग से आमने सामने मुठभेड़ हो रही थी, जिसमें गैंग के कुछ सदस्य पीछे रिवाइंस पे चढ़े हुए थे, जिसकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों नहीं थी, तो उन्होंने पीछे से 7 गोलियां मारी थी, एक गोली हमको गर्दन पे लगी थी और हम वहाँ पे घायल हो गए थे, लेकिन लोगों की ब्लेसिंग्स थी और हमारे सत्कर्म थे कि हम उससे उबर गए और उसमें हमें सफलता मिली और हमारी जान भी बची। तो ऐसे खतरे आते रहते हैं जी। आजकल अपराध सोशल मीडिया से भी मतलब बहुत कुछ हो रहा है, फेसबुक, ट्विटर, इन सब चीज़ों पे भी काफ़ी दिख जाता है अपराध, तो आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव रहते हैं? सोशल मीडिया, हमारा एक मीडिया सेल जनपद में गठित है जो 24 आवर्स काम करता है, जिसमें सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ होती है तो तत्काल हम उसको ट्रैक करते हैं और संपर्क करते हैं। अगर उस सोशल एक्टिविटी के कारण कोई अपराध कारित हुआ है तो तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत करके उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। अभी हाल ही में यहाँ पे कई ऐसी घटनाएं हुई, पाकिस्तान के मैच के बाद एक ट्वीट हुआ था जिसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत करके उसमें कानूनी कार्रवाई की। तो हमारा जो मीडिया सेल है वो ऑन वॉच रहता है, 24 आवर्स वॉच करता रहता है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का यूज़ करके कहीं कोई अपराधिक कृत्य तो नहीं हो रहा है, इस पर हम विजिलेंट रहते हैं। तो अगर एक आंकड़े की बात करें तो सोशल मीडिया का अपराध ज़्यादा इस समय बढ़ रहा है या फिर जो मतलब फिजिकली अपराध होता है वो ज़्यादा बढ़ रहा है? फिजिकली अपराध तो एज इट इज़ है, जैसे पहले होता था वैसे हो रहा है। सोशल मीडिया पे कुछ सोशल अपराध भी होते हैं, कुछ साइबर क्राइम होते हैं, तो ये तो बढ़ रहे हैं। भोली भाली जनता जिस जो अभी पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के साथ या साइबर जो चीज़ें हैं उससे इक्विप्ड नहीं है या अवेयर्ड नहीं है, जिसकी वजह से कुछ लोग लालच में उनके झांसे में आ जाते हैं और साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। इसके लिए हमारे DGP महोदय ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई बार वेबिनार के थ्रू हमारी जो पुलिस है उसको ट्रेंड करने का भी काम किया है और प्रत्येक पुलिस स्टेशन पे हम लोगों ने एक बोर्ड डिस्प्ले कर रखा है
कि साइबर अपराधियों से किस तरीके से बचें, किस तरीके से होशियार रहें, और जो हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसका भी हम लोग जब शाम को भ्रमण करते हैं, पैदल गश्त करते हैं, तो लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। हमारी साइबर सेल भी अलग से एक्टिव है, अगर किसी के साथ साइबर चीटिंग होती है तो एप्लीकेशन लेकर के उसमें कार्रवाई की जाती है। सर, आपको आईपीएस की जिम्मेदारी के साथ साथ और क्या करना पसंद है? मैं पुलिसिंग के साथ साथ अपने व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए संगीत में मेरा बड़ा अभिरुचि है, मैं सिंगिंग करता हूँ, लेकिन चूँकि पुलिस के इतने काम रहते हैं कि उसके लिए बहुत कम समय मिल पाता है, और बुक्स भी पढ़ता हूँ, मैं फिलोसफी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे इस प्रकार की जो ह्यूमनिटीज़ की बुक्स हैं वो पसंद आती हैं, और जनता के साथ जो डिबेट होता है, जो परिचर्चा होती है, उसको भी हम पसंद करते हैं कि अगर कोई सोशल एविल को लेकर के परिचर्चा हो तो उसमें हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आप गाजीपुर के भी कप्तान रह चुके हैं और यहाँ पे भी कप्तान हैं, तो गाजीपुर में और बदायूं में क्या फ़र्क पाया आपने अभी तक? गाजीपुर पूर्वांचल का ज़िला था और काफ़ी क्राइम प्रोन डिस्ट्रिक्ट था और बिहार की सीमाओं से लगा हुआ था, वहाँ पे कई बड़े माफिया गैंग सक्रिय थे, और हमने 21 महीने तक पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के पद पे काम किया, और वहाँ पे बड़े चैलेंजेस थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को कराया, दोनों कोरोना की वेव्स आई, उसमें जनता के साथ मिलकर के काम किया, और माफिया पे एक बहुत बड़ा एक्शन वहाँ पे लिया है जिसमें हम लोगों को सफलता मिली है। और जब हमको संतुष्टि है कि जब हमने गाजीपुर को छोड़ा तो वहाँ की जनता कह रही थी कि बनारस के एंट्रेंस से लेकर के बिहार तक गाजीपुर पूरी तरीके से अपराध और अपराधियों से मुक्त हो चुका था, और जनता अपने आप को महसूस कर रही थी कहीं भी आना हो, कहीं भी जाना हो, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, अपराध पर काफ़ी नियंत्रण हुआ। आप यहाँ के आईपीएस कप्तान हैं, तो आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं? हम अपनी टीम की समय समय पे मीटिंग करते हैं, आरटी सेट पे सारे कर्मचारियों को लेकर के उनको ब्रीफ करते हैं, ऑन आजकल तो इस पे गूगल मीट भी कर लेते हैं, और समय समय पर फिजिकल मीटिंग भी करते हैं, और जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको ब्रीफ करते रहते हैं। हम अपने सबॉर्डिनेट से अक्सर यही कहते हैं कि अगर कोई पीड़ित थाने में आता है तो सिर्फ इतना ही महसूस करो कि अगर आपके किसी परिजन के साथ अगर की कोई ऐसी घटना घटी होती तो आप किस प्रकार का पुलिस रिएक्शन चाहते, अगर इस एहसास के साथ पुलिसिंग करोगे तो निश्चित रूप से जनता के दुख दर्द के भागी बनोगे और उसका दूर करने में सहायता मिलेगी। सर, पुलिस पे हमेशा से राजनीतिक दबाव कई बार देखा गया है, तो बदायूं में आपको क्या लगता है कि कितना राजनीतिक दबाव है, और है तो पुलिस इस चीज़ से कितना प्रभावित होती है? राजनीतिक दबाव ऐसा चैसा कोई नहीं है, काफ़ी फ्री होकर के काम करने का मौका मिलता है। राजनीतिज्ञों की के साथ तालमेल भी एक स्किल की बात होती है। राजनीतिज्ञों की पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने जो जनता के सारे समस्याएं हैं वो हमारे समक्ष रखते हैं और हमसे शेयर करते हैं, तो उसको हम हस्तक्षेप के रूप में नहीं मानते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो करने लायक नहीं होती हैं, तो उनसे शेयर कर लेते हैं कि इसमें विधिक बाधा है, और विधिक बाधा नहीं है और कोई विषय जनता का हमारे समक्ष रखते हैं तो इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, इसको करना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी पुलिस को लेकर काफ़ी पीछे हट रही है, तो आप जो आने वाली युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आईपीएस बनने के लिए किस तरीके से उनको मोटिवेट करना पसंद करेंगे? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अगर आप रह करके कोई जनता के साथ जनता के भलाई के काम करेंगे तो आपको 10 गुना अन्य डिपार्टमेंट्स की अपेक्षा आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, हमारी विजिबिलिटी रहती है और हमें जॉब सेटिस्फैक्शन कंफर्टेबली ज़्यादा मिलता है। तो पुलिस में थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर है, ड्यूटी आवर्स ज़्यादा रहते हैं, लेकिन रिकॉग्निशन भी उतना ही मिलता है, तो इससे बचना नहीं चाहिए। पुलिस की बहुत ही अच्छी सर्विस है, पुलिस में अगर रह करके आप जितना चाहो उतना जनता की सेवा करोगे तो 10 गुना लोगों की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, अगर आप नहीं करोगे तो उतनी ही लोगों की जो है।
बुराइयों का भी सामना करना पड़ता है, पुलिस की बदनामी भी होती है। तो पुलिस का काम बहुत अच्छा है, नोबल काम है। अभी हम लोगों ने कोरोना में जनता ने एहसास किया कि पुलिस ने किस प्रकार से कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया और लोगों की जान बचाई। सर, आपने कोरोना की बात करी, तो अभी कोरोना काल चल रहा था जब, फिलहाल तो कोरोना कंट्रोल में है काफ़ी, तो उस समय आपने कैसे सिचुएशन को हैंडल किया? क्या आपकी कोई ट्रिक थी या फिर कोई नीति थी? नहीं, एक तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने, मैं गाजीपुर में था तो वहाँ पे पब्लिक से के सहयोग से जो लेबर थे, जो माइग्रेंट्स आ रहे थे, उनकी उनके उनके घरों को भेजने की व्यवस्था की। ऐसे लोग थे जो जिनके पास प्रॉब्लम थी खाने पीने की, तो जब तक अन्य अरेंजमेंट्स नहीं हुए तो हम लोगों ने अपनी गाड़ियों का 112 का प्रयोग किया और पब्लिक के सहयोग से भी अन्नपूर्णा योजना चला करके लोगों को खाने पीने का दिया, जिससे जनता ने बहुत अप्रिशिएट किया और जनता को मोटिवेट भी किया, मोटिवेट किया कि कैसे बचें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से उनको अवेयर किया कैसे बचें और कैसे पुलिस के साथ मिल करके इस जो विभीषिका थी, बीमारी थी, उससे उसका मुकाबला करें। अगर हम बदायूं के क्राइम का बात करें तो आपको क्या लगता है बदायूं में सबसे ज़्यादा क्राइम किस चीज़ को लेकर है? बदायूं में मिला जुला अपराध समझ में आता है, ज़्यादातर यहाँ पे जमीन को लेकर के मर्डर की घटनाएं होती हैं और सोशल जो पारिवारिक झगड़े हैं उसको लेकर के सुसाइड की टेंडेंसी भी जाती देखने को मिलती है और यदा कदा लूट आदि की घटनाएं होती हैं। तो जो पूर्व में अपराधी हैं, जो गैंग हैं, उनका चिन्हीकरण करके उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें बदायूं को अपराध से मुक्त करने में हमें सहायता मिलेगी। अंत में आप हमारे दर्शकों को पुलिस की ओर से क्या सूचना देना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों से ये अनुरोध करूँगा कि पुलिस से मिल के चलें और पुलिस को अपना मित्र समझें और यही पुलिस वालों से भी कहूँगा कि जनता देखिए, अपराधी पुलिस का भय केवल अपराधियों के मन में होना चाहिए और जनता के मित्र के रूप में पुलिस को बन के रहना चाहिए। अगर हम जनता के साथ उसकी समस्याएं सुनेंगे, फ्रेंडली व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से जनता की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और जनता को भी चाहिए कि पुलिस की कठिनाइयों को समझे कि हर समस्या का, हर डिपार्टमेंट की समस्या का समाधान हमारे हाथ में नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें विधिक अड़चनें भी होती हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं, तो हमारी लिमिटेशंस को समझें और पुलिस के साथ सहयोग करें। अगर जनता और पुलिस मिल करके एक साथ आगे बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से हम एक आदर्श समाज की संरचना करने में सहायक होंगे। थैंक यू सर।